अगली खबर में बात करते हैं कटनी की, जहां बहरी थाना क्षेत्र में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों की मौत पर गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार को थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीण महिला की मौत के मामले में पति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे थे। थाने के घेराव करने के साथ ही ग्रामीणों की भीड़ ने सड़क पर भी जाम लगा दिया। पुलिस के कार्यवाही के आश्वासन के बाद ग्रामीण शांत हुए। ग्रामीणों ने कहा कि महिला की उसके पति ने हत्या की है, उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। थाने में काफी देर तक हंगामा करने के बाद ग्रामीण सड़क पर पहुंच गए। कुछ ग्रामीण अस्पताल में भी पहुंचे, जहां पर बीएमओ से भीड़ में झूमा झटकी की। बहरी थाना के फॉरेस्ट कॉलोनी क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी ऋषि बड़गैया अपनी पत्नी आरती और बच्चों के साथ रहता है। दंपति के बीच किसी बात को लेकर विवाद होने लगा। कुछ देर बाद फौजी अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल पहुंचा। पुलिस को सूचना दी कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है। अस्पताल में मौजूद रिटायर फौजी की 14 वर्षीय बेटी ने मां को फांसी पर लटकाने का खुलासा किया। बेटी ने बताया कि रात में पापा मम्मी की लड़ाई हुई थी, पापा ने गुस्से में मम्मी को फांसी पर लटका दिया। जिस समय से ये घटना हुई उस दौरान वह अपने कमरे में सो रही थी। यह सुनकर मृतक के परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने अस्पताल में रिटायर फौजी से मारपीट भी की थी। हमारी मांग है कि उसको 302 के ऊपर कायम हो, क्योंकि निर्दयता से बेदर्दी से झालूरों की तरह घसीट करके और बेटी को मारा है उसने। इतना प्रताड़ित किया उसको, जिसका कोई यद नहीं। पुलिस से आप क्या चाहते हैं? पुलिस से हम 302 चाहते हैं, उसको फिर 302 लगे और 302 लगा करके उसको तुरंत जेल भेजा।